अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है लोडेड फ्राइज़ की, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि मज़ीद आप क्या चेंजेस करके इसको और ज़्यादा यमी बना सकते हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है वो मज़े की ये बनती है, ठीक है। अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं फ़ौरन तो आप इसको क्विक बना सकते हैं। तो आए देखते हैं कैसे बनाना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैंने आलू काट के उनको ठंडे पानी से धो लिया था ताकि उनकी स्टार्च रिमूव हो जाए, ठीक है, और उसको चिप्स की फॉर्म में कटिंग करके तो चिप्स फ्राई कर लिए। तो आपने क्या करना है कि जितनी आपके घर में मेम्बर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चिप्स फ्राई कर लें, ठीक है। और मैंने भी जो है वो इसी तरह से दो बड़े आलू ले लिए थे, ठीक है, और उन्हें मैंने चिप्स बना कटिंग करके तो ये फ्राई कर लिए, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक पैन लूँगी और उस पैन में मैं क्या डालूँगी, बटर डालूँगी, ठीक है। आप ऑयल और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बटर को मैंने मेल्ट होने के बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा ऐड किया है, तो इसको मैं भून लूँगी अच्छे से, ठीक है। ये मैंने सॉस प्रिपेयर करना है, ठीक। मैंने चिप्स फ्राई करके सेपरेट रख लिए हैं। अब मैंने सेकेंड जो चीज़ प्रिपेयर करनी है दैट इज़ सॉस, ठीक है। तो ये मैंने जब मैदा मेरा भुन जाएगा खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी कि इसमें एक कप भर के दूध ऐड करूँगी। अगेन मैं वही कहूँगी कि आपके जितने चिप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने सॉस प्रिपेयर करना है। अगर आपके चिप्स ज़्यादा हैं तो आप 2 कप दूध और 3 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने वेट करना है कि ये जब अपनी कंसिस्टेंसी इसकी थिक होना शुरू हो जाएगी तो आप इसमें क्या ऐड करोगे। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया है, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया है और चुटकी भर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, ठीक है, जिसे हम दड़ा मिर्च कहते हैं। ये चीज़ें थी जो कि मैंने इसके अंदर ऐड करनी थी। अब मैंने इसको एक सेकंड के मतलब कह लें कि फ्यू सेकंड्स के लिए मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि ये फटाफट थिक होना स्टार्ट होंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ ये फ़्लेवर अच्छा देता है। अब ये भी रेडी हो गया, इसको भी मैं अलग से रख लूँगी, ठीक है। साथ ही मैंने क्या किया था, इतनी देर में मैंने स्पेगेटी बॉईल कर ली थी, ठीक है, और उसे बॉईल करके अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ओके, फ़िश मेरे पास पड़ी थी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप चिकन ऐड करना चाहते हैं तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने फ्राई कर ली थी। अब मैं क्या करूँगी कि सिंपली लेयर्स लगाऊँगी। सबसे नीचे बॉटम में मैंने क्या किया है कि जो स्पेगेटी वाइट सॉस में मैंने तैयार की थी, ठीक है, वो मैं डालूँगी, ठीक है। उसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि जो मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं, ठीक है, मैं वो ऐड करूँगी। और आपकी मर्ज़ी, अगर आप सबसे नीचे फ्राइज़ ऐड कर लें और ऊपर स्पेगेटी ऐड कर लें या सिंपली आप सॉस ऐड कर लें, स्पेगेटी मत डालें, ठीक। और उसके ऊपर मैंने जो पीसेज हैं फ़िश के वो मैं ऐड कर लूँगी। आप यहाँ पे टिक्का बोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, चिकन की भी, बीफ की भी, इट्स टोटली अप टू यू। जो भी चीज़ आपको अवेलेबल होती है उसको आप यूज़ करें, ठीक है, फ्लेवर्स ऐड करें तो वो बहुत मज़ा देते हैं। ऊपर मैंने चीज़ ऐड की है, ठीक है, और अब मैं इसको करूँगी और चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर ऐड किया और मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया इसको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग लास्ट में ट्राई करना और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, ठीक है। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।